हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कर्ज माफी के लिए आरबीआई को दबा रहे हैं मोदी। ऐसे ही नोटबंदी के लिए 2017 में रघुराम राजन को हटाया था। रिजर्व बैंक और मोदी सरकार में तकरार की खबरों ने सियासत में एक बार फिर हलचलें पैदा कर दी है। जिस तरह से डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य ने सरकार पर आरबीआई के कामों में दखल देने की बात कही, उसे देख लगता है कि अब सीबीआई के बाद आरबीआई भी मोदी सरकार के दबाव में काम करना नहीं चाहती है। इस मामले पर लेकर विपक्ष ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीपीआईएम नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी की नहीं सुनी, सिर्फ जुमला कसना और लोगों से झूठे वादे करना मोदी सरकार का उद्देश्य है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर की राय के खिलाफ नोटबंदी लागू करके अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी, अब फिर विनाश की ओर। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आरबीआई से ब्याज दर कम करने को कहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। वही आरबीआई का कहना है कि जिस तरह से सरकार बैंकों के लिए कर्ज को माफ कर रही है, उसका नतीजा आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। आरबीआई का कहना है कि मोदी सरकार बैंकों के काम में दखल न दे तो ही अच्छा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।